दोस्तों जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद पहला सवाल आता है कि आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट, और जब इस व्हाट का आंसर खोजते हैं तो सबसे पहला जो आंसर मिलता है वो है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी एवरी ईयर। नियर अबाउट 500 टू 600 वैकेंसीज आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्लास वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब के लिए ये वैकेंसीज होती हैं। यूपीएससी के इस एग्जाम में तीन स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू। तीनों स्टेजेस मैंडेटरी हैं क्लियर करना, और मार्क्स जब तीनों के ऐड होकर के फाइनल मेरिट बनती है। अभी 2019 इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और इस रिजल्ट में जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है, जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं, उनका ये टॉपर स्टॉक आप देख रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं अनुराग सिंह। अनुराग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अनुराग ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 24th रैंक हासिल की है और गेट 2019 में इनकी 626 रैंक थी। अनुराग हैज डन बीटेक फ्रॉम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, और ये बलिया यूपी के रहने वाले हैं। इसके बाद मेरे साथ हैं मिस्टर रोहित त्रिवारी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 27, और रोहित ने गेट 2019 में 524 रैंक हासिल की थी। रोहित ने बीटेक किया है जेएसएस कॉलेज नोएडा से, और ये गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं। रोहित और अनुराग दोनों मेडीजी के क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने वीकेंड बैच नोएडा में ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर मेंस की तैयारी मेंस बैच पर और इंटरव्यू की तैयारी इंटरव्यू बैच में मेडीजी से की। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अनुराग आपसे, कि आपने बीटेक के साथ ही मेडीजी का वीकेंड बैच ज्वाइन किया था या बीटेक कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया, और कब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की? सर मैं जब कॉलेज का 6th सेमेस्टर में था तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो मैंने 6th सेमेस्टर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने वीकेंड बैच उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया था, तो फिर मैंने अपना पहला जब अटेम्प्ट दिया तो उस टाइम वैसा रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया, तो मैंने फिर से वापस जब मैं 8th सेमेस्टर में पहुंचा तो मैंने रेगुलर क्लासरूम कोर्स यहाँ पे ए बैच में ज्वाइन कर लिया। तो आपने तैयारी अपने 6th सेमेस्टर से स्टार्ट की, और रोहित आपने कब स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन? सर आई वाज ऑन माय 5th सेमेस्टर, देन आई टेक एनएसटी टेस्ट ऑफ मेडीजी, देन आई जॉइन नोएडा वीकेंड बैच इन 2017-18 इन माय 6th सेमेस्टर। तो होल ईयर हमारी कोचिंग चलती रही, और मैंने ड्यूरिंग दैट कोचिंग सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे कोचिंग की दोबारा से जरूरत नहीं हुई, और 2018 मैंने पूरा खुद से उन्हीं चीजों को रिवाइज किया, इम्प्रोवाइज किया अपने आप को और इम्प्रूव किया। तो आप दोनों को स्कॉलरशिप टेस्ट से स्कॉलरशिप मिली मेडीजी में। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, टेक्निकल में या फिर जीएस वाले सेक्शन में? सर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो टेक्निकल तो एक हमारा लॉन्ग रन तक हमें हेल्प करता है, लेकिन साइड बाय साइड हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए जीएस वाला पार्ट जो है वो उसको हम बहुत कम वेटेज या कम एफर्ट्स उसको करें। मेरे हिसाब से जितना हम प्रीलिम्स के टाइम पे जितना हम टेक्निकल को पे एफर्ट दे रहे हैं, उतना ही सेम अमाउंट में हमें नॉन टेक्निकल पोर्शन पे भी देना चाहिए एफर्ट, और मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यही किया था। टेक्निकल में अगर बात करें रोहित, तो टेक्निकल में सबसे ज्यादा कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो बहुत सारा सिलेबस है। सर सब्जेक्ट तो कोर सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एक सर्टेन लेवल के बाद क्या है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि पहले कोर सब्जेक्ट पे फोकस ऑब्वियसली करना चाहिए। जैसे हमारे कोर सब्जेक्ट है मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और नेटवर्क्स, तो मैंडेटरी है स्कोर वेल करने के लिए। तो इन सब में एक अच्छे लेवल पहुंचने बाद हमें और सारे सब्जेक्टों पे भी अच्छा फोकस रखना चाहिए, ताकि उनसे भी, क्योंकि सभी स्कोर्स का सभी इक्वल स्कोर रखते हैं, और वेटेज हाँ थोड़ा मोड़ा डिफर करता है, बट अच्छे स्कोर के लिए हमें सभी सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस करना चाहिए, और उसी अच्छे स्कोर से ही आदमी इंप्रूव कर आगे बढ़ पाएगा। अच्छी रैंक लाने के लिए पूरा सिलेबस चाहिए। हाँ पूरा सिलेबस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ना कभी पता नहीं होता कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आसान आएंगे, किससे डिफिकल्ट आएंगे। मैं इसके बाद में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि सर अर्लियर हमारा ट्रेंड था कि
कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स थे जैसे मैंने एनालाइज किया था, तो उनसे 80-90 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते थे। लेकिन इस साल ही हमारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर किए हुए 14-15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को, अब वो टाइम नहीं है कि हाँ कि हम किसी सब्जेक्ट को एकदम छोड़ के चले, कंपटीशन लेवल भी बढ़ गया है, लेवल भी बढ़ गया है, राइट। तो अब किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के जाना बड़ा रिस्की हो सकता है, राइट। आपने जो अपनी प्रिपरेशन की तो टेक्स्ट बुक रेफर की है या क्लास नोट्स रेफर की है? सर 80-90% ऑफ द टाइम मैंने नोट्स ही रेफर किए और उनका कंटिन्यूअस रिवीजन करता गया। बट ऐसा क्या होता है कभी कभी नोट्स ऐसे रिवीजन करते जाते हैं तो ब्लाइंडली रिवीजन हो जाता है, लेकिन जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है कि हाँ, तो उससे क्या होता है वो तब आसानी से समझ में आती है। तो मैंने अपने सारे नोट्स ऑलमोस्ट 2 सालों में 5 या 6 बार तो मिनिमम रिवाइज ही किए होंगे। तो मैंने 80-90 टाइम्स नोट्स, और हाँ कुछ नोट्स में प्रॉब्लम आती है देन आई रेफर मेडिजी टेक्स्ट बुक्स, और समटाइम उसमें भी नहीं प्रॉब्लम हुई तो मैं जो रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे रेफर किया या इंटरनेट हेल्प ले ली। आजकल तो इंटरनेट भी बहुत बड़ा ओशियन है। हाँ, तो इंटरनेट जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। बुक्स में क्या थोड़ा फाइंडिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो इंस्टेंट रिजल्ट उस पर मिल जाते हैं, तो इंटरनेट इज हेल्पफुल। बट 80% आई विल से कि नोट्स इज वेरी हेल्प। नोट वर्क अनुराग, जो जीएस वाला सेक्शन है, मतलब जीएस में तो इंजीनियर थोड़ा वीक रहते हैं क्योंकि कॉलेज में हमारे सिलेबस में होता नहीं है, तो जीएस के लिए फिर आपने क्या किया? सर जीएस के लिए मैंने स्ट्रिक्टली यहाँ के जो नोट्स थे मेडिजी के नोट्स थे, और मैं सबको सजेस्ट भी यही करूंगा कि स्ट्रिक्टली मेड इजी के नोट्स फॉलो करें, और उसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक हमें मिल रही है हर सब्जेक्ट के लिए उसको फॉलो करें। और उसके अलावा बहुत ज्यादा इधर उधर बहुत ज्यादा रेफरेंस करने से भी क्या है कि आप फिर आपको पता नहीं चलता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इस वजह से सोर्स अच्छा होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सोर्सेस पढ़ने का समय नहीं, और एक्यूरेट होना चाहिए कि मतलब हाँ हमें इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। वो बाउंड्री खींचना जरूरी है कि हमें ये चीजें करनी है। मेरा मानना है कि आप हर सब्जेक्ट में अपना एक बाउंड्री बना लीजिए कि ये मुझे 2 या 3 सोर्सेज से पढ़ना है, और उनको पूरी तरह से पढ़ जाइए, भले ही आप 3 बार पढ़ जाइए। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिकल के, इसके अलावा आपने क्या सर? मैं अपने प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ कि इनफैक्ट अगर जीएस की भी टेस्ट सीरीज की भी बात करें तो टेस्ट सीरीज एवरी एस्पेक्ट में इंप्रूव करती है, चाहे वो किसी भी स्टेज की टेस्ट सीरीज हो। इनफैक्ट अगर मेरी प्रिपरेशन का अगर कोई क्रेडिट बोले कि नोट्स या नॉलेज या फिर किसको क्रेडिट, तो आई विल 60-65% क्रेडिट मैं टेस्ट सीरीज को, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही इंप्रूव करती है। इनफैक्ट जीएस में भी मुझे याद कि बुक्स कितनी भी आदमी पढ़ लेगा तो उसे याद नहीं रहती है, लेकिन टेस्ट सीरीज से कभी कभी ये होता है कि आपकी जजमेंट एबिलिटी जो क्वेश्चन को देखे, अब जीएस इज ओशियन काइंड ऑफ थिंग, तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है वो जजमेंट एबिलिटी कि हाँ ये ऐसा, और तो फिर जो चीजें पढ़ी हैं वो रिकॉल भी होती है। हाँ, रिकॉल। अनुराग, आपने जीएस के लिए क्या सोर्स पढ़े अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई और कुछ करा? नहीं सर, मैंने टेस्ट सीरीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और टेस्ट सीरीज खास करके मतलब मैं भी यही इसकी बात से पूरी तरह से अग्री करता हूँ कि टेस्ट सीरीज को आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर आपका 2 घंटे का टेस्ट है फाइनल और 3 घंटे का टेक्निकल पोर्शन है, तो मैं जितने घंटे का टेस्ट था उतने ही घंटे मैं उसको एनालाइज करने, टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करने में भी लगाता था, क्योंकि मेरा मानना है कि आप टेस्ट में जो गलतियां आपसे हो गई हैं वो आपको रिकॉल होती रहेंगी, क्योंकि वो आपसे गलती हुई है। क्योंकि कई लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट दे के आते थे, आंसर मैच करते थे, फिर छोड़ देते थे, तो मैं वैसी तो वैल्यू एडिशन उसमें हुआ नहीं। तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि जितने आवर्स का वो टेस्ट है, जो अलॉटेड टाइम है उस टेस्ट के लिए, आप उतना ही टाइम अलॉट करिए उसको एनालाइज करने में, करें, और आने के बाद उन सवालों को जरूर पढ़िए जो आपसे गलत होगा या जो आपसे नहीं बने, और उनके सॉल्यूशंस जहां भी सॉल्व मिलेंगे उनको आप रिवाइज करिए, उनको मार्क करके रखिए, और हर टेस्ट में ऐसा करते जाइए। एग्जाम के पहले जितने भी मार्क किए हुए सवाल हैं और उनके आंसर से वो एक बार रीड करके रिवीजन करके। मैं भी यही करता था सर कि कुछ चीज टेस्ट सीरीज में हमेशा हर टेस्ट
कॉलेज में हमें दो तीन पॉइंट्स मिल जाते थे जो कि नए होते थे, जो हमारे नोट्स में नहीं होते थे, तो मैं वैल्यू एडिशन कर देता था नोट्स में, उसी टॉपिक के आसपास में ही मैं उसको लिख देता था ताकि जब फिर वापस से नोट्स पढ़े। बहुत अच्छे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी अनुराग ने और रोहित ने बताया कि टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो। फिर हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में पूरी तरह से टेक्निकल सिलेबस है और सफिशियंट टाइम होता है, 4 महीने का जो समय है प्रीलिम्स के बाद वो सफिशियंट टाइम है। तो मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की क्या अलग अलग कर लेनी चाहिए? प्रीलिम्स तक ऑब्जेक्टिव में फोकस करो और मेंस के प्रीलिम्स के बाद कन्वेंशनल में, या कॉम्प्रिहेंसिव लेकर के शुरू से चलना चाहिए? सर प्रीलिम्स में मेनली स्पीड और एक्यूरेसी मेरे हिसाब से ज्यादा मैटर करती है। तो प्रीलिम्स में समहाउ शॉर्ट ट्रिक अपनाना या ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व तो हम आसानी से कर ले जाते हैं क्योंकि हमें प्रीलिम्स क्लियर करना, बट मेंस में ट्रिक्स नहीं हम अप्लाई कर सकते या शॉर्ट, वहां तो कॉन्सेप्ट चाहिए, वहां कॉन्सेप्ट चाहिए और प्रोसीजर वाइज सब चीजें शो भी करनी होती है। इनफैक्ट मुझे प्रीलिम्स टू मेंस में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगा था और मेरी टेस्ट सीरीज में एवरेज मार्क्स या से थोड़ा ऊपर ही आ पाते थे, वो चीजें मुझे काफी ज्यादा परेशान करती थी प्रीलिम्स में। तो इनफैक्ट मैं टॉप 10 में रहता था या टॉप 50 में अक्सर रैंक्स आ जाती थी, बट मेंस में आई नहीं रहती तो हमेशा परेशान करती थी चीजें। बट मैंने टेस्ट सीरीज पे अच्छे से फोकस किया और इन एडिशन टू डेट मैंने इस साल के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी टेस्ट सीरीज जो मेडिजी की थी उनको भी उनको साथ में लगाया। तो लास्ट के 2 महीनों में ये चीजें जब मैंने दोनों टेस्ट सीरीज साथ में लगाई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और चीजें बाद में इजी हो गई। सर मेरा तो मेंस में सर पहला अप्रोच यही था कि मुझे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार तो लगाने ही हैं, और थोड़ा सा स्टार्ट लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि प्रीलिम्स से मेंस का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होता है वहां पे थोड़ा सा होता है कि माइंडसेट भी पहले ऑब्जेक्टिव वाला होता है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं अलॉटेड टाइम उस रिस्पेक्ट में। तो स्टार्टिंग के टेस्ट सीरीज में जब ज्वाइन किया था स्टार्टिंग के टेस्ट में मेरे से अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते थे उतना ज्यादा क्वेश्चन, तो मैं उससे बहुत ज्यादा थोड़ा सा वरीड था कि अगर मैं इतना कम अटेम्प्ट करूंगा तो फिर मैं स्कोर क्या करूंगा, कैसे कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने समहाउ टाइम मैनेज किया, इनफैक्ट थोड़ी अपनी राइटिंग स्पीड भी बढ़ाई। फिर उसके बाद फिर ये भी था मेरा कि मुझे नोट्स पे फुल ऑन स्टिक होना है और बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है क्योंकि मेंस में टाइम बहुत ज्यादा होता है तो फिर हो सकता है कि आपका स्ट्रेटेजी डाइवर्ट भी हो जाए। तो मैंने उससे रिगार्डिंग बहुत फोकस रखा कि हाँ। अच्छा मेंस में क्यू कैप मिलता है क्वेश्चन का आंसर बुकलेट सीरीज और उसमें स्पेस फिक्स होता है, अगर आपने गलती कर दी तो दोबारा लिखने का स्कोप नहीं होता है। तो टेस्ट सीरीज से कहीं ना कहीं आप अपने एक्यूरेसी लेवल को इम्प्रूव कर लेते हैं और ये मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा क्यू कैप का एक अच्छा पार्ट ये भी है क्योंकि अगर आपने किसी एक क्वेश्चन का एक पार्ट अटेम्प्ट कर लिया और दूसरे पार्ट आप सोचते हैं बाद में कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जब सीक्वेंस में लिखना पड़ता था जब एक क्यू कैप नहीं होता था तो एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक साथ करने मजबूरी हो जाती थी। तो ये एक आसानी भी है लेकिन दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि आपने अगर एक बार गलती की तो दोबारा स्पेस नहीं बचेगा। दूसरा हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्यू कैप में ना स्पेस लिमिटेड होता है तो उसने कम स्पेस में या गिवन स्पेस में आपको आंसर अच्छे से करना है, तो ये प्रैक्टिस भी आप टेस्ट सीरीज से इम्प्रूव कर पाते हैं। हाँ सर, जैसा अपने टेस्ट सीरीज में पहले दिन बताया भी था कि कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर ये देखिए कि स्पेस आपको कितना प्रोवाइडेड है, राइट। हाँ, तो एक माइंड मैपिंग टाइप की हो जाती है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, आपको लिखना क्या है और कितना लिखना तो, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया, स्पेस खत्म हो गया। तो ये पहले से मैपिंग करना जरूरी है, आंसर गलत हो गया। हाँ, ये आंसर गलत हो गया तो फ्रेमिंग करना आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रायोरिटी भी फिक्स कर लेनी चाहिए, पहले 5 मिनट 10 मिनट भले ही आप क्वेश्चन पेपर को रीड करने में वेस्ट कर लो बट फिक्स दी प्रायोरिटी कि पहले मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है, सेकंड कौन सा और टोटल नंबर 5 कौन से होंगे। एक जो प्रॉब्लम मुझे टेस्ट सीरीज में फेस होती है मैं उसे डिस्कस करना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज में क्या होता था, मुझे क्वेश्चन पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाते थे। इनफैक्ट अगर जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती थी मुझे मिनिमम 15-20 मिनट्स लग जाते थे कि टेस्ट सॉल्व करने में, और उन 15-20 मिनट्स में मैं देखता था कि लोग 10 मिनट्स में ही क्वेश्चन पूरे पढ़ ले रहे हैं, 8 के 8 क्वेश्चन और वो जज कर ले रहे हैं। तो वो चीजें मेरे साथ धीरे धीरे इनफैक्ट लास्ट मोमेंट तक रही और वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव हुई। तो सबको इतने जल्दी से जज नहीं कर पाता कि किसी का कोई पार्ट
स्ट्रांग होता है, किसी का कोई, ये तो बात फैक्ट है कि हर पर्सन का एक अपना ऑरा होता है और पर्सनालिटी हर आदमी की यूनिक है, तो कोई फास्ट होता है कोई स्लो, आपने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया और लास्ट तक आप इम्प्रूव करते गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरव्यू जब पहुंचते हैं तो इंटरव्यू इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज, क्योंकि जब दो स्टेजेस हो जाती है तो अब लगता है करो या मरो वाली सिचुएशन है, तो वहां पर तो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता. तो इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों ने कैसे की? सर, आई ज्वाइंड मेड इजी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. इनफैक्ट आई विल से आई एम अ मेड इजी प्रोडक्ट. आई यूज ऑल द कोर्सेस. आपने क्लासरूम कोर्स किया, फिर टेस्ट सीरीज करी, फिर इंटरव्यू प्रोग्राम किया, तो मैंने वही ज्वाइन किया था. और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हाँ हेल्प मिली थी, स्पेशली जो डेफ सेशन थे या फिर जो नॉन टेक्निकल वाले सेशन थे, क्योंकि टेक्निकल में तो एक्सपर्टीज धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है जब आप साल भर, बट वो जो नॉन टेक चीजें या अपनी रिप्रेजेंटेशन की तरीके होते हैं वो जो सीखने को मिली वो काफी हेल्पफुल रही. कि अनुराग, आपका कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? सर, मेरे लिए तो सर बिल्कुल ये थोड़ा सा नया टाइप का था कि मैंने पहले एक ही या दो इंटरव्यू दिए होंगे, तो उसमें मेरे साथ कम्युनिकेशन स्किल वाली थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी कि आप बोल कैसे रहे हैं. तो कभी कभार ऐसा हो जाता था कि चीजें आपको पता है लेकिन आप उसको एट दैट इंस्टेंट अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, तो वहाँ गलत इंप्रेशन चला जाता था. लेकिन फिर मैंने मॉक इंटरव्यू यहाँ पे दिया काफी, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिला. मतलब मॉक इंटरव्यू से जो रिव्यू मिलते थे, जो इवैल्यूएशन होती थी, तो उससे मैं काफी अपने आप को फिर इम्प्रूव करता था. और सारा कुछ मतलब इंटरव्यू गाइडेंस का टाइम भी जितना भी चला, जैसे रोहित ने कहा कि मतलब मेड इजी प्रोडक्ट, तो हम लोग भी ऐसे एक दिन आ रहे थे, तो जिस दिन हमें इंटरव्यू गाइडेंस की बुक मिली तो हम लोग यही बोले कि नहीं, हमें मेडिजी से जो मैक्सिमम रिसोर्सेज होते हैं वो हम लोग ने ले लिए हैं, स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स, अब इंटरव्यू तक जो हम लोग, अब हमें सिर्फ रिजल्ट देना है. तो देखिए, मेडिजी से तो जो भी चीजें मिलती हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स कम हैं जो पूरी तरह से उस पर बिलीव करते हैं या पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं. लेकिन जो लोग भी फॉलो करते हैं तो उनके लिए सफिशिएंट है एग्जाम को क्रैक करने में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, या इंटरव्यू स्टेज हो. और हमने हर बार देखा है कि मेडिजी के ही स्टूडेंट टॉप करते हैं और मेडिजी के ही स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रूवन फैक्ट भी है. तो दिस वॉज द पार्ट ऑफ डिस्कशन. इंटरव्यू में, एक्चुअल इंटरव्यू में यूपीएससी में आपसे क्या सवाल पूछेगा, किन एरिया से? सर, मेरे से तो बेसिकली डेफ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे, खास करके मेरे होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पूछा गया था. क्योंकि मैंने अपने डेफ में मेंशन भी अपॉइंट किया था कि आई कीप माई सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री, तो उन्होंने पूछा भी था, तो मैंने उसका जवाब दे दिया. तो चेयरमैन सर, हालांकि मैं यहाँ पर अपना एक व्यू रखना चाहूंगा कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में पॉलिटिकल और रिलीजियस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्कशन हो जाता है. ये तो सर मेरा भी था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे जो जीएस वाला पार्ट था तो मैंने उसको काफी होल्ड रख करके रखा था. मेरे मन में एक डर भी था कि हो सकता है कि मेन वहां पे ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मैं किसी ऐसे पॉलिटिकल उसके इंक्लिनेशन अपना शो कर दूं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाए, तो इस वजह से हाँ. तो मैं ये थोड़ा सा एक तरह से मैं बोलूंगा, सजेस्ट यही करूंगा कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ और भी बहुत एक्सेप्शनल इंटरेस्ट है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी बैलेंस तरीके से आप अगर रख सकते हैं अपनी बात को तो ठीक है. रोहित, आपने इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया? सर, 60% क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्निकल एरिया. इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसे कि रोहित, यू आर फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सो टेल मी अबाउट यूपी पावर सिस्टम. तो मैंने यूपी पीसीएल का इंटरव्यू दिया था, तो ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू मैंने थोड़ा यूपी के पावर सिस्टम या फिर उसके जोन्स या फिर क्या पावर सिनेरियो है, तो उसका स्टडी थोड़ा किया था. तो वो 6 महीने पुरानी वाली चीज मुझे वहां पे हेल्प की. और क्वेश्चन क्या थोड़ा वास्ट था कि हाउ एज अ इंजीनियर यू विल कंट्रीब्यूट इन नेशंस ग्रोथ, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो ये क्वेश्चन तो मेरे क्लास में उस समय डिस्कशन में बोला था कि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका क्या रोल होगा ग्रोथ. और हाँ, तो ऐसे ही बस उन्होंने रिसोर्स की, मैंने तब उन्हें बताया कि हमें अपनी सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहिए, थोड़ा जो कम्युनिकेशन गैप्स है हमारा आउटर वर्ल्ड से या फिर जो टेक्निकली स्ट्रांग प्लेसेस हैं, तो उनसे थोड़ा मजबूत करना चाहिए, जिससे क्या वो ब्रिज के थ्रू हम वो गैप कम कर पाएंगे और हम डेवलप कर सकते हैं इस वे में. तो वैसे करके मैंने जवाब दिए थे. अब हम बात करते हैं कि अब जैसे
अराउंड 2 months बचे हुए हैं और जब एग्जाम के 2 महीने बचे हों तो उस समय स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2 months के लिए, 60 days के लिए? सबसे पहले बात कि मैं बोलूंगा कि टाइम इज मनी को लिटरली फॉलो करना चाहिए कि विदाउट एनी वेस्टेज. सभी कहते हैं कि आई स्टडी 10 आवर 10 आवर, बट 10 आवर कंसिस्टेंटली पढ़ पाना तो मुश्किल होगा. मैं भी अपने स्टडी टाइम में मैंने 2 घंटे से शुरुआत की थी, धीरे 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 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ पाया. बट हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम, इनफैक्ट लास्ट के 20 दिनों में मुझे खुद भी भरोसा नहीं हुआ कि मैं 10 घंटे तक पहुंच गया था. तो मैं शुरू में ही नहीं, और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है. और टेस्ट सीरीज पे कुछ स्टूडेंट इस बात पे फोकस रहते हैं. मैंने भी ये गलती की थी कि अच्छा अभी पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से बाद में देंगे. और बाद में टेस्ट देंगे जब पूरे वो बाद आता नहीं कभी, और वो टेस्ट रह ही जाते हैं. तो टेस्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करें और उसी से इम्प्रूवमेंट हो. अनुराग, आपका क्या है सजेशन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 60 डेज के लिए? तो मेरा यही है कि आप पहले सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल नॉन टेक्निकल उसका एक टाइम टेबल फिक्स कर लें कि हाँ हमें इस डेट से इस डेट के बीच में स्ट्रिक्टली हमें कंप्लीट करना ही करना है. वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक्चुअली में कुछ भी बाहर का नहीं ट्राई करना चाहिए लास्ट 60 डेज में. सबसे ज्यादा रिवीजन, हाँ सिर्फ रिवीजन आप करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं, लेकिन कुछ नया ट्राई मत करिए. अपना टाइम टेबल के हिसाब से चलिए कि हाँ मुझे इतने से इतने डेट के बीच में, और सिर्फ टेस्ट पे फोकस करिए. हाँ टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर पुराने टेस्ट सीरीज को वापस से अटेम्प्ट करिए. तो मेरा तो यही स्ट्रेटेजी था. जब एग्जाम के नजदीक का जो समय होता है उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होता है. अगर आप 6 महीने पहले 1 वीक का आउटपुट, 1 वीक की पढ़ाई का आउटपुट देखें और एग्जाम के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले का जो 1 वीक का आउटपुट देखें तो देयर में बी 1:10 डिफरेंस. तो एग्जाम के जो नजदीक वाला समय होता है वो बेस्ट यूटिलाइज करिए पढ़ाई में. जो भी आपकी दूसरी एक्टिविटीज है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है या फिर पार्टिसिपेशन इन दी प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज है घर जाने का, ये सब थोड़ा सा कंट्रोल करिए. लास्ट 50-60 डेज में पूरी तरह से डिसिप्लिन हो जाइए, कट डाउन योर अदर एक्टिविटीज एंड फोकस टू योर स्टडी. स्टडी में भी खास करके जो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है उनका रिविजन, टेस्ट देना, टेस्ट को एनालाइज करना, उनके वीकनेसेस को इम्प्रूव करना, हर टेस्ट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और आने वाले टेस्ट में अच्छा करना. दूसरा, आप ना टेस्ट की रैंक पे मत जाइए, इस बात पे जाइए कि आपके मार्क्स और टॉपर्स के मार्क्स में डिफरेंस कितना है. आपको ग्रेजुअली वो डिफरेंस कम करना है, बस ये एम होना चाहिए कि जो हाइएस्ट मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में और आपके जो मार्क्स हैं उनमें डिफरेंस अगर ज्यादा है तो आने वाले टेस्ट में ये डिफरेंस कम होना चाहिए. द मोमेंट यू स्टार्ट ब्रिजिंग दिस गैप, इसका मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हैं. तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है. बाकी एफर्ट्स एंड डेडिकेशन हैज नो सब्स्टिट्यूट. मतलब आप ये मत सोचिए कि आपका लक या बैड लक, दैट इज सेकेंडरी, एफर्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स आर एवरीथिंग. और दूसरा, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के एग्जाम्स है ना, ये काफी प्रेडिक्टेबल है. मतलब आप अगर सही आंसर करके आओगे तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. सिविल सर्विसेज में हो सकता है एक चांस कि आपने थ्योरी क्वेश्चन लिखा और उसका एग्जामिनर को पसंद नहीं आया, तो हो सकता है वहां पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा है, बट यहाँ तो ऑब्जेक्टिविटी है. अब एक लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ डिस्कशन का, सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी. बहुत सारे स्टूडेंट्स फेसबुक और या फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम इस सब में टाइम देते हैं. आप लोग ने अपने आप को ओपन रखा, एक्टिव रहे या फिर थोड़ा डिसिप्लिन या कंट्रोल किया? नहीं सर, आई टोटली एलिमिनेटेड, बिकॉज इस वजह नहीं कि मैं तैयारी कर रहा था. एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मेरे रूममेट ने बोला कि फेसबुक क्विट कर सकते हो. तो मैं थोड़ा ऐसे सोचा, फिर उसने थोड़ा ईगो पे चैलेंज कर दिया कि तुम नहीं कर सकते. तो आज तकरीबन 3 साल होने वाले हैं आई एलिमिनेटेड द फेसबुक फ्रॉम माय लाइफ. अब आप कल से एक्टिवेट कर लेना. और फिर उसके बाद रही व्हाट्सएप के बाद, तो एक दूसरे रूममेट ने उसके लिए मुझे ट्रिगर किया. तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तो ये आपके दोस्त थे? हाँ, मतलब ये रियल दोस्त थे? हाँ, मेरे रूममेट, मेरे फ्रेंड्स का बहुत ही, तो आपको थैंक्स करना चाहिए. मेरे फ्रेंड्स का बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है मेरे ये प्रिपरेशन में. इनफैक्ट
one of my friend selected in IOCL in 2018. He is also made his student AIR-52. उसने बल्कि मेरी इतनी economically help की है. अच्छा economically. It means he paid for my fees also. Great. So I will some of my friend help me mentally, economically, socially, every respect. I got very good. देखो दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, वो life long के लिए assets हैं. अनुराग आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? सर सोशल मीडिया प्रेजेंस को मैं काफी कंट्रोल रख के चलता था स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली मैं ट्विटर बहुत ज्यादा यूज करता था क्योंकि मुझे जनरली अवेयर होना कि मेरे आसपास क्या हो रहा है ये बहुत अच्छा लगता था कि हाँ ये न्यूज मुझे पता होनी चाहिए ये. तो मैं फेसबुक तो उतना नहीं करता था. हाँ व्हाट्सएप करता था तो उसको भी लास्ट में कम कर दिया था, लेकिन हाँ ट्विटर को मैं रखता था अपने उसमें. वो भी इसलिए नहीं कि हाँ मुझे आज इस पे कुछ भी अपने व्यूज देने हैं या इस पे कुछ करना है, तो वो मैं नहीं इसलिए नहीं, बस मैं न्यूज चैनल्स फॉलो करता था कि हाँ मुझे जो आसपास मेरे हो रहा है वो मुझे पता होना चाहिए. तो वो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ कोई मुझसे इस बारे में डिस्कस करे तो मैं एकदम ब्लैंक ना रहूं, तो इस वजह से मैं ट्विटर यूज करता था. बाकी ऐसे सोशल मीडिया अपना पे अपना बहुत ज्यादा टाइम नहीं वो करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और फिर एक टाइम के बाद से फिर आप बहुत ज्यादा अगर यूज करने लग जाए तो जब पढ़ाई नहीं होती तो फिर अपने आपको वो भी होता है कि कई बार ना डाइवर्जन हो जाता है. आपने सोशल मीडिया में आप थोड़ा एक्टिव हुए, फेसबुक चेक करने शुरू किया, कहीं और कहीं जगह लैंडिंग कहीं और हो जाती थी, डाइवर्जन हो जाता है. देखा है कि हमने स्टार्ट तो किया था 5 मिनट के लिए लेकिन वो हो गया 1 घंटे पांच मिनट, 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड हो गया. क्योंकि सर स्क्रॉल करने का कोई वो एंड नहीं है, तो सर वो स्क्रॉल होता ही रहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है. आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिससे ऑनलाइन भी कोर्सेज मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज दे भी रहे हैं. बट हाउ एवर मेडीजी बिलीव्स की दैट आईएएस एंड गेट इज प्योरली बिकॉज इज अ लॉन्ग टर्म स्टडी और बहुत थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता है. आपका क्या ओपिनियन है कि क्लासरूम कोर्स वर्सेज ऑनलाइन कोर्स में विच इज द प्रेफरेबल फॉर स्टूडेंट्स? सर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट ऑन एवरेज स्टूडेंट में तो ऑनलाइन चीजों को मतलब एक डाइवर्जन वो क्रिएट कर सकता है. जैसे क्लासरूम कोर्स में सबसे बड़ी श्योरिटी है कि आए हैं पढ़ने तो पूरा दिन पढ़ के ही जाएंगे, बट ऑनलाइन कोर्सेज में ये श्योरिटी कि सपोज पढ़ रहे हैं कहीं भी मन डिस्ट्रैक्ट हुआ वहां बाउंड्री लिमिट्स नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो यू मे गेट डाइवर्टेड कि आप डाइवर्ट होके दूसरे डायरेक्शन में इनफैक्ट कोई दूसरी चीज करने भी लग सकते हैं, तो वहां आपकी बाउंड्री नहीं सेट है. और कभी कभी मैं दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बोलता हूं, ऑलवेज पीपल डिफाइन देयर बाउंड्री बाय देमसेल्फ, कि लोग अपनी बाउंड्री खुद ही बनाते हैं हमेशा से. तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक स्वॉर्ड की तरह है, आप उसे बेटर यूटिलाइज भी कर सकते हो बट उसके बुरे होने के चांसेस ज्यादा है. आपका पैर भी उसके ऊपर पड़ सकता है. आप उसके बुरे होने के चांसेस ज्यादा है. तो अनुराग आपका क्या व्यू है? सर ऑनलाइन के लिए तो मैं उसमें अपने लिए तो खास करके फेवर नहीं करता था और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेफर क्लासरूम कोर्स को मैं बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स करता हूँ कि हाँ जहाँ तक अगर आप एकदम आपके लिए अब एक्सेसिबल नहीं है कि हाँ आप क्लासरूम कोर्स नहीं ले सकते तब, तो तब तक आपके पास तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं. लेकिन अगर आपके पास है चॉइस कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आपको रेगुलर क्लासरूम कोर्स में बैठने को मिल रहा है तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वही ऑप्ट करिए. दूसरा क्या होता है कि सिलेबस बहुत वाइड है, इतना ज्यादा सिलेबस जैसे हम क्लासेस में देखते हैं अराउंड 1,000-1,200 आवर्स की क्लासेस होती है, अगर इतनी डेप्थ तक पढ़ना है इतनी डेप्थ की अगर वीडियो पढ़ने देखना शुरू करेंगे 6-8 घंटे पर डे तो 6-8 आवर्स पर डे तो आप वीडियो नहीं देख सकते. कोई ऐसा टाइम आएगा कि आप गिव अप करने फिर वहां पर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने के भी चांस होते हैं यार नहीं हो पाएगा इतना पर डे नहीं हो सकता. लेकिन जब क्लास में आप होते हो तो टीचर्स के साथ कहीं ना कहीं बॉन्डेड होते हो या अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हो, वो पढ़ रहा है आपको पता है मेरा दोस्त बगल में बैठा है ये भी पढ़ रहा है तो मुझे भी करना है. और सर इसमें एक चीज और हम देखेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि क्या होता है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो एक बार जो आ गए वो 1-2 साल तक वहीं सेम रहते हैं, लेकिन चूंकि आजकल का जो कॉम्पिटिटिव वो हर बार अपडेट हो रहा है कि जो अपना लेटेस्ट पैटर्न था वही फॉलो हो रहा है, तो वहाँ क्लासरूम कोर्स में सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा हमें मिल जाता है. सो दिस वाज द डिस्कशन विद द अनुराग सिंह हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 24 एंड रोहित तिवारी ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 27 इन UPSC 2019 इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन.
and I'm B Singh, founder and director of Medigi. I hope this discussion you will find useful for your preparation. अगर आप किसी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल कर चुके हैं और आपकी बहुत कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड यू वांट टू शेयर विद दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द टॉपर्स टॉक, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अस. थैंक यू.